कैंट पुलिस ने शनिवार को चोरी की 7 मोटरसाइकिलों के साथ 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान थाना कैंट के बिलंदपुर निवासी आयुष चौहान उर्फ राहुल पुत्र वीरेंद्र चौहान, आवास विकास कॉलोनी महादेव झारखंडी निवासी कृष्ण कुमार उर्फ छोटू पुत्र राम नयन पासवान तथा खोराबाड़ थाना क्षेत्र के सोहन पुत्र परशुराम पासवान के रूप में हुई है। इनके निशानदेही पर चोरी की 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया कि एसएसपी के निर्देशन में अपराधियों के धर पकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान में सीओ कैंट तथा प्रभारी निरीक्षक कैंट के कुशल निर्देशन में 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया। सीओ कैंट के नेतृत्व में इंस्पेक्टर कैंट और उनकी टीम द्वारा 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी की 7 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इसमें 6 मोटरसाइकिलें केस से कनेक्ट हो चुकी हैं, जिनके संदर्भ में पूर्व में मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। इसमें 4 मोटरसाइकिलें कैंट थाने से चोरी संबंधित हैं, एक खोराबाड़ थाने संबंधित है, गुजरिया थाने संबंधित। इसके पहले भी ये लोग इस तरह का घटना कर चुके हैं? हाँ, इनका जो गैंग लीडर है शातिर अभियुक्त है आयुष, वो इसके पहले वाहन चोरी के मामले में 3-4 बार जेल जा चुका है और अभी लगभग 15-20 दिन पहले जेल से छूट गया है। जेल से छूट के आने के बाद भी इसने वाहन चोरी करने वाला काम था। कहाँ बेचते थे गाड़ी चुराते थे तो बेचते भी थे इसको? इसके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। 7 गाड़ियाँ इन्हीं के पास से बरामद हुई हैं, क्योंकि अभी ये जल्दी चुराए हैं। ये अप्रैल और मई और जून महीने की जिनकी गाड़ियाँ चुराई हैं।